We greet each and every one of you in the mighty, powerful name of Jesus Christ, our Lord and Savior. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आप सभी को अभिवादन करते हैं. We thank God for this opportunity that once again we can come into your homes just to have the fellowship and share the mighty, powerful word of God. और हम परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करते हैं कि हमें एक और मौका दिया कि हम आपके घर में आ सके और परमेश्वर के सामर्थी वचन को हम आपको बांट सकें. We see in the previous episodes we have seen a few prophecies that were fulfilled in the life of Jesus Christ. हमने पिछले कुछ एपिसोड में ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में देखा जो कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी हो गई हैं. I told you already that there were about 50 prophecies which were mentioned about Jesus Christ in the Old Testament. और मैंने आपको पहले ही बताया है कि पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लगभग 50 भविष्यवाणी में बताया गया है. इतनी भविष्यवाणी में बताया गया है. That is from Genesis to Malachi. यानी उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक बताया गया है. So this week we'll also continue to see some more prophecies that were fulfilled. और इसलिए इस हफ्ते हम ऐसी और कुछ भविष्यवाणियों को देखेंगे जो कि पूरी हो चुकी हैं. We will see about the prophecies that were given by Prophet Zechariah. हम उन भविष्यवाणियों को देखेंगे जो कि ज़करिया भविष्यवक्ता के द्वारा दी गई थी. First, let me tell you something about the prophet Zechariah. सबसे पहले मैं आपको भविष्यवक्ता ज़करिया के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. He was 11th of the 12 minor prophets. और वो तो 12 छोटे भविष्यवक्ताओं में से 11वां छोटा भविष्यवक्ता था. Zechariah was commissioned by God to encourage the people in their unfinished responsibilities. और ज़करिया को परमेश्वर ने भेजा कि वो लोगों को प्रोत्साहित करे और लोगों ने जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है उन जिम्मेदारियों को वो पूरा करते जाएं. Zechariah seeks to encourage them through action by reminding them about the future importance of the temple. और ज़करिया वहाँ पर जो है अपनी क्रियाओं के द्वारा उन्हें याद दिलाता है कि भविष्य में जो भवन का जो महत्व है वो सच में कैसे होगा. इस तरह से वो उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है. The temple must be built. कि जो भवन है वो तो बनाया जाना चाहिए. People were not merely building a building, but they are building a future. और लोग ये तो कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं लेकिन वो तो भविष्य बना रहे हैं. Like his predecessors, Jeremiah and Ezekiel, Zechariah was from a priestly lineage. जैसे कि हम देखते हैं यर्मिया और यजकेल के जैसे ज़करिया भी एक भविष्यवक्ता के परिवार से आया है. He was the son of Barakah and the grandson of Iddo. और वो तो बराका का बेटा और इडियो का पोता था. इस तरह से बाइबल हमें बताती है. He was born in Babylon and was brought up by his grandfather when Jewish exiles returned. Under Zerubbabel and Joshua, the high priest. उसका जन्म तो बेबीलोन की बंधवाई में हुआ था और जब यहोशू जो महायाजक था और जरुबाबेल के द्वारा वहां से लोगों को निकाला गया और वो वापस यरूशलेम में आए उस समय ये अपने दादा के साथ में लौट आया था. He was called to prophesy at a very early age in 520 BC. ईसवी सन पूर्व 520 में इसे बहुत ही कम उम्र में बुलाया गया कि ये भविष्यवाणी करते चले जाएं. In the book of Zechariah, the first of the 8 chapters frequently allude to the temple and encourage the people to complete the great work of the new sanctuary. और अगर हम ज़करिया के पहले 8 अध्यायों में देखें तो हम यही पाएंगे कि यहाँ पर वो है जो निरंतर लोगों को प्रोत्साहित करता है कि भवन के निर्माण के लिए वो जोर देते चले जाए, उसकी ओर ध्यान देते चले जाएं. The last 6 chapters were written after the completion of the temple. In anticipation of Israel's coming Messiah. और फिर आखिरी के जो 6 अध्याय है वो तो वहाँ पर भवन बनाने के बाद में इसराइल की सराहना करते हुए गए और वो तो आने वाले मसीहा के बारे में बताते चले गए. God gives Zechariah a series of 4 messages. और परमेश्वर ने ज़करिया को यहाँ पर 4 संदेशों की एक सीरीज ही दे दी. Rebuke of empty Ritualism. और यहाँ पर जो खाली जो धार्मिकता थी या कहिए जो खालीपन था आस्था में उन सारी बातों को यहाँ पर वो फटकारता है, उन सारी बातों को यहाँ पर वो डांटता है. Number 2. और फिर नंबर 2. A reminder of putting disobedience. और दूसरी बात ये है कि वो तो आज्ञा भंग करने की बातों को याद दिलाता है. Number 3. और फिर नंबर 3. The restoration of consolation of Israel. और इसराइल के वहाँ पर पुनर्गठन के बारे में वो हमें बताता है. Number 4. और फिर नंबर 4.
The recovery of joy in the kingdom. उस राज्य में आनंद के वापस आने के बारे में वो यहाँ पर बताता है. Both Haggai and Zechariah joined in the ministry. दोनों यानी हग्गई और जकरिया सेवकाई में जुड़ जाते हैं. Zechariah boldly proclaims what God told him to say. और जकरिया को परमेश्वर ने जो कुछ भी कहने के लिए कहा, जकरिया ने बड़े हियाव से उसका प्रचार किया. Remember, the Lord could not bless His chosen people until they were clean in His sight. याद रखिए, परमेश्वर की दृष्टि में जब तक कि परमेश्वर के लोग शुद्ध ना हो जाएं, परमेश्वर उन्हें आशीष नहीं दे सकता है. The Jewish people who had returned to their land, they knew their history very well. और जो यहूदी लोग वापस अपने देश में आए थे, वो अपने इतिहास को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे. They knew that God had sent a prophet after prophet to plead with their forefathers. और वो ये भी जानते थे कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के बाद में भविष्यवक्ता को भेजा ताकि वो भविष्यवक्ता वहाँ पर इनके पूर्वजों के सामने विनती करते चले जाएं. To turn from the idolatry, to return to the Lord. But the nation had refused to listen. कि वो मूर्ति पूजा से हट जाएं और परमेश्वर के पास में वापस लौट कर आए, लेकिन इस देश ने ये बात मानने से इनकार किया था. And the Lord God of their fathers sent warning to them through messengers rising up early and sending them because he had compassion on his people. और फिर परमेश्वर ने वहाँ पर उनके ऊपर दया की, उनके ऊपर करुणा की, और इस कारण उसने बार बार ऐसे संदेश देने वाले लोगों को उनके पास में भेजा. And on his dwelling places. और साथ साथ में उनके निवास स्थानों के ऊपर उसने ये भेजा. But they mocked the messenger of God, despised these words. And scoffed at the prophets. लेकिन उन्होंने परमेश्वर के संदेश देने वालों का मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि उनके शब्दों का मजाक उड़ाया, उसे तुच्छ जाना, और भविष्यवक्ताओं का उन्होंने मजाक उड़ाया. Until the wrath of the Lord rose against his people, and if till there is no more remedy. और फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि परमेश्वर का क्रोध इन लोगों के ऊपर में भड़का, और उसके बाद में उन लोगों के लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं रहा. The Lord gives ample time. To repent and escape from the punishment what they wasted every given opportunity. और परमेश्वर निश्चय ही काफी समय देता है कि हर एक मौका जो उन्होंने खो दिया उसके लिए वो पश्चाताप करे, उसके लिए वो कुछ न कुछ करते जाएं. And now it was too late. और अब तो बहुत देरी हो चुकी थी. Some of the forefathers did repent, but the repentance came too late to prevent the destruction of Jerusalem and the deportation. Of the people. और उनमें से कुछ जो पूर्वज थे, उन्होंने पश्चाताप तो किया, लेकिन उनके पश्चाताप करने में बहुत ही देरी हो गई, और इसके कारण वो यरूशलेम का विनाश और लोगों की जो बंधवाई में जाने की जो बात थी, उसे वो रोक नहीं पाए थे. Over centuries, the Jews had suffered at the hands of many nations. और कई सदियों तक यहूदी लोगों ने वहाँ पर बहुत से देशों की ओर से दुख उठाया था. But they survived. लेकिन फिर भी वो बचकर जीवित रहे. But every nation that sought to destroy the Jews had discovered the truth of God's promise to Abraham in Genesis chapter 12 and verse 3. लेकिन हर एक देश जिसने यहूदियों को नाश करने का विचार किया, उन्होंने उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 3 में परमेश्वर ने अब्राहम से जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के बारे में सब लोगों ने अच्छे से जान लिया. Which says, I will bless them that bless thee. And curse them that curse thee. और ये वचन कहता है कि जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे उन्हें मैं श्राप दूंगा. Joshua and Zerubbabel, the two leaders of the Jewish remnant. और यहोशू और जरुबाबेल, ये तो यहूदी लोगों को छुड़ाने के लिए दो मुख्य व्यक्ति थे. They knew how tough it was to lead. और वो ये भी जानते थे कि इनकी अगुवाई करना सच में कितनी मुश्किल बात है. Joshua was a high priest and had concern. For the spiritual life of the people. और उस समय यहोशू जो था वो तो महायाजक था, और लोगों के आत्मिक जीवन के बारे में वो बहुत ही परवाह किया करता था, चिंता किया करता था. Zerubbabel was a governor and had the responsibility of managing the civil affairs of the nation. और जरुबाबेल वहाँ पर गवर्नर था, और वहाँ पर लोगों के लेन देन के बारे में और उनके कामों के बारे में वो अधिकारी व्यक्ति था. Zerubbabel was trying to motivate people who were discouraged and selfish, and Joshua was trying to educate people who were disobedient
एंड सिनफुल। जरुबाबेल जो है वहां पर लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था कि वो आगे बढ़कर काम करते चले जाए, और यहोशू जो महायाजक था वो तो पाप में लोगों को वहां पर पश्चाताप करने के लिए और परमेश्वर की ओर फिर कर आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। Zechariah is the largest and the most observer of all the 12 minor prophets. और सभी 12 छोटे भविष्यवक्ताओं में से जकरिया जो है वो तो बहुत ही ध्यान से सारी बातें बताता है। Zechariah predicted more about the Messiah than any other prophet except Isaiah. यानी अगर देखा जाए तो यशायाह को छोड़कर बाकी सभी भविष्यवक्ताओं में जकरिया ने मसीहा के बारे में ज्यादा बताया है। God gave prophet Zechariah two visions that speaks to us today. और परमेश्वर ने जकरिया को दो दर्शन दिए जो आज भी हमसे बातें करते हैं। And encourages us to keep serving the Lord no matter how different the people or the circumstances may be. और हमें ये प्रोत्साहित करते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, तो भी हमें परमेश्वर की सेवा करते चली जाना है। Zechariah prophesied about the Messiah's first coming and the second coming. और जकरिया ने मसीहा के पहले आगमन के बारे में भविष्यवाणी की और दूसरे आगमन के बारे में भी भविष्यवाणी की। Let us see his prophecy about the first coming of the Lord around 520 years before Jesus Christ. और आइए अभी ईसवीसन पूर्व 520 में उसने प्रभु के बारे में जो भविष्यवाणी की थी उस भविष्यवाणी को हम देखते हैं। Solomon built the temple that the Babylonians destroyed. सुलेमान ने जो भवन बनाया था उसे बेबीलोन लोगों ने नाश कर दिया था। And Solomon had unlimited resources at his disposal. और उस समय सुलेमान के पास में बहुत से असीमित ऐसे स्रोत उपलब्ध थे। His father David fought many battles and had collected many spoils that were used to build the temple. और उसके पिता दाऊद ने बहुत से युद्ध को जीता था और उसने बहुत सी ऐसी लूट हासिल की थी जिसके द्वारा ये भवन बनाया गया था। But the Jews in Zechariah's days had no such authority. लेकिन जकरिया के दिनों में जो यहूदी लोग थे उनके पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं था। That is why God said to them through Zechariah. और इसलिए जकरिया के द्वारा परमेश्वर ने उनसे कहा, Not by might nor by power, but by my spirit saith the Lord of hosts. न तो शक्ति से न बल से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं का यहोवा यही तो कहता है। You can read this in the Old Testament, Zechariah 4:6. और पुराने नियम में जकरिया 4:6 में आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। There were three ways that we can attempt to do the work of God. देखिए तीन तरीके हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के काम करने की कोशिश कर सकते हैं। उनमें से एक है। We can trust our own strength and wisdom. हम खुद अपने बल पर और अपनी बुद्धि के ऊपर में भरोसा कर सकते हैं। Two, या दूसरा, we can borrow the resources of the world. हम संसार के जो स्रोत हैं उन्हें उधार ले सकते हैं। Three, we can depend on the power of God. और तीसरी बात यह है कि हम परमेश्वर की सामर्थ पर आधारित रह सकते हैं। The first two approaches may appear to succeed, but they will fail in the end, but only the work done through the power of the Spirit will glorify God. पहले दो जो रवैये हैं वो शायद हमें वहाँ पर सफलता जल्दी से देने में दिखाई दे, लेकिन वो तो असफल हो जाएंगे। लेकिन तीसरी जो बात है कि हम परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर जब हम आधारित रहते हैं तो वो काम जरूर पूरा होगा। Let us see what mountains was Zerubbabel facing. तो आइए देखते हैं कि जरुबाबेल के सामने यहाँ पर कौन सा पहाड़ था। There was discouragement among the people. यानी वहाँ पर लोगों के बीच में निराशा थी। Opposition from the enemies around them. और उनके आसपास जितने भी शत्रु थे उनसे उनका विरोध हुआ। Poor crops, unstable economy. और वहाँ पर उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो तो बिल्कुल स्थिर नहीं थी। People who are not obeying God's law. और लोग तो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे। Problems from those people of God that face throughout the centuries. और परमेश्वर के लोगों की ओर से वहाँ पर समस्या थी जो कि कई सदियों से उनका वो सामना करते आ रहे थे। The answer to these problems is prayer. और इन सभी समस्याओं के लिए जवाब तो केवल प्रार्थना है। Prayer releases the power of the Holy Spirit. प्रार्थना पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोल देती है। God and his servants must work together to accomplish his purpose. और परमेश्वर और उसके दासों को एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि वो उसके उद्देश्यों को पूरा कर सकें। Zechariah reminded the people of the ways of their forefathers. और जकरिया ने लोगों को उनके पूर्वजों की मार्गों के बारे में याद दिलाया। Routinely practiced
the religion, but they failed to obey God's word. वो तो वहाँ पर आस्था का पालन तो कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के वचन का पालन करने में वो चूक गए थे. From their hearts. अपने दिल से वो इसे नहीं कर रहे थे. And that was the reason that Jerusalem and the temple had been destroyed. और यही तो वो कारण था जिसके कारण यरूशलेम और जो भवन है वो नाश कर दिया गया था. God commanded Zechariah to play the role of the shepherd. और यहाँ पर परमेश्वर ने जकरिया को आज्ञा दी कि वो एक चरवाहे की भूमिका निभाए. Now we will see the prophecies that were told by Zechariah. और अब हम उस भविष्यवाणी को देखेंगे जो जकरिया ने बताई थी. The first prophecy is recorded in Zechariah chapter 9 and verse 9. और पहली जो भविष्यवाणी है वो तो जकरिया अध्याय 9 वचन 9 में बताई गई है. Rejoice greatly, O daughter of Zion. हे सियोन की बेटी, बहुत ही मगन हो. Shout, O daughter of Jerusalem. हे यरूशलेम की बेटी, जय जयकार कर. Behold, thy king cometh unto thee. क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा. Lowly and riding upon an ass. वो दीन है और गधे पर वरन गधी की बच्ची पर. And upon a colt. The foal of an ass. वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा. Here the prophet speaks about a future king presenting himself at Jerusalem riding on a humble donkey. यहाँ पर ये भविष्यवाणी बताती है कि भविष्य का राजा जो है वो तो यरूशलेम में आएगा और वो दीन है और वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आएगा. This was foretold about something that happened 500 years later. और ये तो ऐसी बातें हैं उसके बारे में बताई गई जो कि 500 साल के बाद में होगी. If you see Matthew chapter 5 and verse 17, Jesus Christ himself during his ministry says. अगर आप मत्ती अध्याय 5 वचन 17 में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने स्वयं अपनी सेवकाई के समय में ये कहा है. Think not that I am come to destroy the law. ये न सोचो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता को नाश करने के लिए आया हूँ. I have come not to destroy, but to fulfill. मैं उसे नाश करने के लिए नहीं लेकिन उसे पूरा करने के लिए आया हूँ. All the four gospel writers have mentioned about the incident as prophesized by Zechariah. चारों सुसमाचार के लेखकों ने इस घटना के बारे में लिखा है जो कि जकरिया ने भविष्यवाणी करके बताया था. If we read the four Gospels, we understand that Jesus Christ used to travel to different towns and villages to do the ministry. और अगर हम चारों सुसमाचार को पढ़ें तो हम यही पाएंगे कि यीशु मसीह सेवकाई करने के लिए बहुत से गांव में वहां पर जाया करता था. All the while he used to walk to these different places. और इस पूरे समय में वो पैदल चलकर इन जगहों पर जाया करता था. Nowhere can we find it mentioned that he rode a donkey or a horse to reach these places. और हम कहीं भी ये नहीं पाते हैं कि इन जगह पर पहुंचने के लिए उसने कभी घोड़े पर या गधे पर सवारी की होगी. He always walked or sometimes he traveled by boat. और वो तो हमेशा पैदल चलता था या फिर कई बार वो यात्रा करने के लिए नाव का उपयोग करता था. So this time also he is going by walk from Jericho to Bethany and to Jerusalem to attend the Passover feast. और वो इस समय भी यरीहो से बेथनी में जा रहा था कि आगे जाकर यरूशलेम में जाए और वहाँ पर फसह के पर्व में वो भागी हो जाए, फसह के पर्व को वो मनाए. The main purpose of Jesus Christ's walk on in this earth was to fulfill the prophecies. और यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य यही था कि वो सारी भविष्यवाणियों को पूरा करते चले जाएं. So when he's going from Bethany to Jerusalem, और जब वो बेथनी से यरूशलेम की ओर जा रहा था, he remembers the prophecy given by Zechariah. तो उसे जकरिया की ये भविष्यवाणी याद आ गई. Rejoice greatly, O daughter of Zion. हे सियोन की बेटी, मगन हो, ये कहता है. Shout, O daughter of Jerusalem. और हे यरूशलेम की बेटी, तू चिल्ला. Behold, thy king cometh unto thee. कि देख, तेरा राजा तेरे पास में आता है. He is just and having salvation. वो तो धर्मी है और उसके पास में उद्धार है. Lowly and riding upon an ass. और वो तो दीन है, वो गधे पर सवार है. Upon a colt, the foal of an ass. वो तो गधी के बच्चे पर सवार है. So he calls two of the disciples and give them specific instructions to get the donkey on which nobody
तो वो अपने दो चेलों को बुलाता है और उन्हें सटीक आज्ञा देता है कि गधी के ऐसे बच्चे को लेकर आए जिस पर अब तक कोई भी सवार नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे को वो लेकर आए। Seated himself on the donkey and entered Jerusalem. और वो उस गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करता है। The donkey represented royalty and peace. और गधा जो है ये तो शांति और राजघराने को दर्शाने वाला था। Though riding a donkey represented royalty. हालांकि गधे पर सवारी करना ये तो एक राजघराने को दर्शाता था। Yet Jesus to fulfill prophecy. Rode on a donkey through the streets of Jerusalem. यहाँ पर यीशु ने भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यरूशलेम की सड़कों पर वो गधे पर बैठकर सवारी करता है, हम ये देख सकते हैं। The Bible says that they spread their garments and broke palms and also spread their branches. और बाइबल कहती है कि उन्होंने अपने वस्त्र निकाले, उससे सड़कों पर डाले और साथ साथ में उन्हें खजूर की डाली तोड़ी और उससे भी उन्होंने सड़कों पर बिछा दिया। Those days kings had their own donkeys to ride on. और उन दिनों में राजा के पास में अपनी सवारी के लिए अपने ही गधे हुआ करते थे। At the time of King Solomon's anointment as king in 1 Kings chapter 1 verses 32 and 33. पहला राजा अध्याय 1 वचन 32 और वचन 33 में राजा सुलेमान के अभिषेक के समय में हम ये देख सकते हैं। We read that King David instructed Zadok the priest, Nathan the prophet, and Benaniah the son of Jehoiada. तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सादोक याजक, नातान नबी, अहुयाद के पुत्र बनायाह को बुला लाओ, सो वे सब राजा के सामने आए। To take the royal donkey, this was solely used by King David. और उसने कहा कि मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे नीच खच्चर पर चढ़ाओ, यानी वो कहता है कि मेरे गधे पर इसे चढ़ाओ। He asked them to make King Solomon sit on his own mule and take it into procession to Gihon and then anoint him as the king. और वो उन्हें आगे देता है कि तुम सुलेमान को मेरे नीच खच्चर पर चढ़ाओ और गिहोन को ले जाओ और राजा होने के लिए उसका अभिषेक करो, और वो कहता है वहां जाकर उसका राज्य अभिषेक करना। We know that in the olden days, whenever the king went in procession, और हम ये भी जानते हैं कि जब पुराने समय में राजा कभी किसी तरह के जुलूस में जाया करता था, out of respect the people put their cloth, so probably everyone took his garment, spread it down, and later took it back. तब लोग जो है वो तो उसके आदर के कारण अपने वस्त्र को निकाल कर सड़कों पर बिछाया करते थे और उसके बाद में वो उन वस्त्रों को वापस ले लिया करते थे, पहन लिया करते थे। In giving reverence to the king. और ये तो राजा को आदर देने के रूप में होता था। Here for Jesus Christ, the people wanted to give respect and reverence, so they put their garments. When he rode forward on the donkey. और यहाँ पर जब यीशु गधी के बच्चे पर सवार होकर आ रहा था तो लोगों ने उसका आदर करने के लिए अपने वस्त्र निकाले और उसे सड़कों पर बिछा दिया और खजूर की डालियों को भी उन्होंने वहाँ पर सड़कों पर बिछा दिया कि उसका आदर करें। The fulfillment of the prophecy by Zechariah in chapter 9 and verse 9 was known only by two people. और जकरिया 9:9 में जो जकरिया ने भविष्यवाणी की थी उसका पूरा हो जाना है जो उसके बारे में केवल दो ही लोग जानते थे। One is Jesus Christ. और उनमें से एक है यीशु मसीह। And the other was Prophet Zechariah who wrote the prophecy. और दूसरा व्यक्ति तो जकरिया भविष्यवक्ता है जिसने इस भविष्यवाणी को लिखा था। Now that you have heard the biography and the prophecy of Zechariah's first coming of the Messiah. अब आपने यहाँ पर देखा है कि जकरिया की भविष्यवाणी जो कि यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में बताती है, ये क्या है?
We don't understand Zechariah's mind. और फिर भी हम जकरिया के मन को यहाँ पर अच्छे से नहीं समझ पाते हैं. The vision or his first and second coming. और उसके पहले और उसके दूसरे आगमन के बारे में जो दर्शन है उसे भी. Next week we expand on the details of Zechariah's prophecy. और अगले हफ्ते हम जकरिया की भविष्यवाणी को बहुत ही विवरण से देखेंगे. Of the second coming, which we pray that you would should expect. जो कि दूसरे आगमन के बारे में है और हमारी प्रार्थना है कि आप इस दूसरे आगमन की अपेक्षा करते चले जाएं. We just pray to God that you enjoyed the program and we have heard many things concerning the important points of the second coming. हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जैसे कि आपने इस प्रोग्राम में देखा और आपने उसके दूसरे आगमन के बारे में बहुत से पॉइंट्स को यहाँ पर जाना है. We hope to see all of you again next week, same time, same place. और हम आशा करते हैं कि अगले हफ्ते फिर से इसी जगह पर इसी समय में आपसे मुलाकात होगी. May God bless each and every one of you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे. Yom Shemeir Hallelujah Al Ma Shehaya U Ma Sheot Lo Haya Hallelujah